कि कितना हाइजीनिक और प्रॉपर वे में बना हुआ है, आप लोग जरूर यहाँ पे विजिट करें। स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। जैसे कि हम लोग अभी आए हैं एक्सप्रेस पीवी क्लब, जो नवादा में रिसेंटली परसों ही खुला है, तो आज यहाँ का ब्लॉग आपको दिखाते हैं। पीछे का ब्लॉग को, आगे का ब्लॉग को देखिए और एंजॉय करें आप। ये एक्सप्रेस पीवी क्लब आप देख सकते हैं, यहाँ पे क्या क्या मिलता है हम देख सकते हैं। ग्रैंड ओपनिंग था परसों, ये रामनगर नियर संकट मोचन नवादा के स्थित है। चलते हैं हम लोग अंदर। तो गाइस, जैसा कि ध्यान अंदर जा रहा है, आप अंदर का आउटलुक देख सकते हैं। एंट्रेंस गेट आप देख सकते हैं। विजिट कर सकते हैं। अगर इसका अगर स्पेशलिटी की बात किया जाए, यहाँ पे सबसे स्पेशल क्या है जो वाकई में बहुत अच्छा है? हाँ, यहाँ पर जो कल अभी आपको अवेलेबल मिलेगा वो कल पिज्ज़ा मिलता है। अच्छा, केवल पिज्ज़ा मिलेगा? हाँ, पिज्ज़ा और बर्गर। हाँ, केवल पिज्ज़ा और बर्गर मिलेगा सर। और ये आपका ड्रिंक कुछ नहीं? ड्रिंक्स वगैरह अभी हो जाएगा, अभी भी हो जाएगा, अभी भी हो जाएगा। हाँ, शेक वगैरह सब। हमारे यहाँ का शेक भी बहुत बढ़िया है, शेक एक बार आइए तो शेक जरूर ट्राई। हाँ, शेक तो जरूर ट्राई करें, शेक जरूर ट्राई करें, ये भी बहुत बढ़िया है। अच्छा, आपका जो ये इंटीरियर है थोड़ा तो क्या कहते हैं आइकॉनिक है एकदम, जो बोली मस्त लग रहा है ये तो वैसे ही वहाँ पर जब मूवी वूवी नहीं, जैसे ये जैसे कि बहुत सारा देखते ना ये हम देखते हैं लड़का के गेट के दीवार पे ऐसे स्टिकर स्पेस है ये बोल। हाँ, मतलब स्पेस भी है। बच्चे लोग को ये स्टिकर बहुत अच्छा लगता है, मतलब ये सुपरमैन है, ये मैं वो फोटो क्लिक करवाएंगे, मतलब ये हर जगह पोस्ट करेंगे, मतलब बहुत अच्छा लगता है, मतलब ये यूनिक आइडिया को आया था। यही सोच रहा है
जैसा कि आप लोग यहाँ पे हम लोग के ब्लॉग में देख ही रहे हो, यहाँ का बहुत ही मतलब कि सुपर एक कैफे खुला है। अभी आप लोग देखेंगे कि हम लोग वहाँ का किचन विजिट कर रहे हैं कि वहाँ पे कैसे सब कुछ मतलब कि कितना क्लीन वे में बनाया जाता है, हाइजीनिक है, आप देख सकते हैं। सारे आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। आप देख सकते हैं यहाँ पे सारे टेबल लगे हुए हैं, देख सकते हैं यहाँ पे सारे टेबल लगे हुए हैं। इसका मेन्यू आप देख सकते हैं, इसका मेन्यू इस टाइप का है और इसका आप देख सकते हैं प्राइस। और चलिए आपको मिलाते हैं यहाँ पे, जो इसको मैनेज करते हैं पीवी एक्सप्रेस क्लब को। पीबी एक्सप्रेस क्लब के ऑनर से मिलाते हैं आपको, सारे लोग वही मैनेज करते हैं। इसका दो ब्रांच है, एक तो नवादा में खुला है, एक और ब्रांच नवादा में खुलने वाला है और एक जम्मू में पीबी एक्सप्रेस पीबी के नाम से। तो हम लोग मिलते हैं प्रोफेशनली। ब्लॉग को इंजॉय करें और जैसे ही हम लोग अब फूड आता है फिर आपको ये ब्लॉग को दिखाते हैं। और पीछे का व्यू आप देखेंगे, पीछे का व्यू बहुत शानदार है और ज्ञान भी यहाँ पर आकर के बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि उसको यहाँ मतलब कि यहाँ पे सब कुछ बहुत ही बेटर है, बहुत ही अच्छा है। आप लोग ज़रूर यहाँ पे आके विजिट करें। यहाँ की प्राइस, यहाँ की मेन्यू, ये सब कुछ ही बहुत बेटर है। ये आपका है ना, ये आपका सारा किचन का है, देख सकते हैं इन भैया का किचन का है। ये क्या है भैया? ओवन है। हाँ ओवन है। ये क्या? ये ओवन है, मतलब ये पूरा आपका किचन होता है ना। हाँ पिज्जा होता है। और ये इसमें आप जो भी अपना सामान फ्रेश है वो दोबारा ताकि इसमें फ्रेश रह सके। देख सकते हैं कि कितना हाइजीनिक और प्रॉपर वे में बना हुआ है, आप लोग जरूर यहाँ पे विजिट करें। ये सब क्या है? ये फ्रायर है, आपका क्या जूस उसको का ना, ये फ्रायर है, बर्गर टिक्की बर्गर है, दो फ्रायर रखे इसलिए एक नॉन वेज एक वेज। एक नॉन वेज और ये वेज ना, ये नॉन वेज में ये वेज के लिए। ये हमारा शेक का ब्लेंडर है, शेक वगैरह बनाने के लिए। गाइस जैसे हम लोग अभी एक्सप्रेस पीवी क्लब में खड़े हैं तो आप पीछे का सीन देख सकते हैं, बहुत ही सुंदर है। आप पीछे का आउटलेट देख सकते हैं, पीछे का आउटलेट बहुत ही सुंदर आउटलेट है। गाइस देख सकते हैं हम लोग का पिज्जा आ चुका है, ये बर्गर है, आप देख सकते हैं। I'm so hungry खाने के लिए। देख रहे हो, इट्स सो यम्मी। यो फोटो यो अह